हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर विनोद सर वेलकमिंग टू यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश अकेडमी। तो देखो, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो रिमेनिंग यूजेस ऑफ वुड है उनके बारे में। देखो लगभग जो है ना पूरी तरीके के डिफरेंट यूजेस ऑफ वुड मैंने दो पार्ट में ऑलरेडी कवर्ड किए हैं। दोनों के दोनों वीडियो जो है ना आपको अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उसी से रिलेटेड एक पार्ट जो है मतलब थर्ड पार्ट जो है ना आज मैं डेवलप कर रहा हूँ और आज ही आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे वुड के यूजेस थे, उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब वो आपको समझने में देखने में दिक्कत पैदा करता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके फायदे के लिए, आपके इजीनेस के लिए, कम्फर्टेबिलिटी के लिए जो है ना इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई फॉर द सेम पर्पज जो है ना मैंने इस एक ही कंसेप्ट के तीन वीडियोज डेवलप की है, वुड का पार्ट वन, वुड का पार्ट टू और वुड का पार्ट थ्री, ये रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, समय के वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। बची हुई कुछ जो है तीन चार दो यूजेस वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो देखो, वुड का यूज वुड हैव हैड के सेंस में किया जाता है, या फिर हम आज सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। वुड हैव हैड पास होता के सेंस में जो है ना इसका यूज किया जाता है। पास होता, मेरे पास ऐसा होता, मेरे पास वैसे होता, आपके पास ये होता, उनके पास वो होता, बट इट तो पास होता के सेंस में। चलो फर्स्ट एग्जांपल, अगर आप नहीं आते तो मुझे और कुछ डिस्टेंस चलना पड़ता। ठीक है, मुझे और कुछ डिस्टेंस चलना पड़ता। चलना पड़ता मतलब ही जो है ना पास होता के, अब देखो चलना पड़ता अलग बात होगी, पास होता ये अलग बात होगी, ये तो फिर दोनों में डिस्टेंस आ गया तो फिर गलत बात है। गलत बात नहीं है, पास होता मेरे पास कुछ होता। ठीक है, मेरे पास कुछ होता, मुझे चलना पड़ता, मुझे जाना पड़ता, मुझे आना पड़ता, इस सेंस में भी जो है ना इसका ही हम यूज करेंगे। इफ यू, देखो सेंटेंस इस प्रकार से रहेगा, I would have had all this सेंटेंस में दूसरा लिया हूं। ठीक है, आई वुड हैव हैड ऑल दिस, ये सब कुछ मेरे पास होता, ये सब कुछ मेरे पास होता, लेकिन but I made huge mistake। ठीक है, ये सब कुछ मेरे पास होता लेकिन मैंने उस दिन बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ह्यूज मिस्टेक दैट डे। ठीक है, मेरे पास ये सब कुछ होता, मेरे पास ये सब कुछ होता लेकिन उस दिन मैंने कुछ गड़बड़ी कर ली, बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली, जिसके कारण जो है ना मेरे पास अभी वो नहीं है। सो पास होता के सेंस में जो है ना इस सेंटेंस को हमने बनाया है। चलो सेकंड सेंटेंस की भी बात कर लेते हैं, अगर आपने मुझे एक चांस दिया होता तो शायद मेरे पास ये सब कुछ होता। इफ यू हैड गिवन मी, अगर आपने मुझे एक चांस दिया होता, गिवन मी ए चांस, इफ यू हैड गिवन मी ए चांस, I would have had, ठीक है, कि मेरे पास होता, had many films today, तो आपने अगर मुझे चांस दिया होता, तो आज मेरे पास बहुत सारी फिल्में होती। इस प्रकार से पास होता के सेंस में देखा हमने वुड हैव हैड का यूज कैसे किया जाता है। अब देखो यहाँ पे सेकंड यूज देखेंगे हम, वुड हैव टू, करना पड़ता, या फिर करना पड़ जाता, या फिर करना पड़ता होगा। इन तीन अलग अलग सेंस में जो है ना इसका यूज करेंगे वुड हैव टू का। देखो, अगर आप नहीं आते तो मुझे और कुछ डिस्टेंस चलना पड़ता, चलना पड़ता मतलब चलने का काम करना पड़ता। इसे थैंक गॉड यू केम, ठीक है, थैंक गॉड कि आप आ गए, वरना मुझे चलना पड़ता, और एल्स आई वुड हैव टू। देखो हैव के बाद टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो हैव टू वॉक, अब टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये हो गया टू इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स, बड़े
I would have to walk again few kilometers. ठीक है, few kilometers. Thank God you came. Thank God आप आ गए, नहीं तो या फिर वरना मुझे और कुछ डिस्टेंस चलना पड़ता. ठीक है, चलने का काम करना पड़ता के सेंस में यहाँ पे यूज किया है. वुड, आई वुड हैव टू वॉक अगेन फ्यू किलोमीटर्स. ठीक है, चलो वन मोर एग्जांपल. आपने मुझे मदद नहीं की. ठीक है, आपने मुझे मदद नहीं की. इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, अगर आपने मुझे मदद नहीं की होती. इफ यू had not helped me, अगर आपने मुझे मदद नहीं की होती. had not helped me, I would have to go to office today. Thank God. आपने मदद तो की. ठीक है, तो देखो सेंटेंस क्या कहता है. इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, अगर आपने मुझे मदद नहीं की होती. सो आई वुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे, तो आज मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता या फिर जाना पड़ता. ठीक है, ऑफिस को जाना पड़ जाता मतलब ही मैं चला जाता अगर आप मुझे मदद नहीं करते तो. लेकिन आपने मदद की तो आज ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है. सो इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, आई वुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे. आज मुझे कहाँ जाना पड़ जाता, ऑफिस जाना पड़ जाता. बड़ी तो ये सेंस में. और पहला जो है ना, करना पड़ता के सेंस में हमने यूज किया. अब देखिए पड़ता होगा के सेंस में जो है ना, इसका यूज कैसे किया जा सकता है. यू वुड, थर्ड एग्जांपल देखते हैं. यू वुड पड़ता होगा, करना पड़ता होगा के सेंस में. यू वुड हैव टू गो आपको जाना पड़ता होगा एवरी डे. सो यू वुड हैव टू गो एवरी डे, आपको हर दिन जाना पड़ता होगा. और दूसरा है पड़ जाता के सेंस में, और पहला है हमें हमारा करना पड़ता होगा के सेंस में. तो देखो इस प्रकार से हमने दो यूजेस जो है ना देखे हैं. एक पहला है would have had जो कि पास होता है के सेंस में होता है, और दूसरा जो है ना वो करना पड़ता. ठीक है, करना पड़ जाता, और तीसरा है करना पड़ता होगा के सेंस में यूज होता है. गॉट इट? पढ़ते हैं आज. अब देखते हैं वन मोर यूज ऑफ वुड. स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेंटेंस का? वुड हैव हैड टू, इसके पहले भी हमने देखा है वुड हैव टू का यूज. अब यहाँ पे हम वुड हैव हैड टू का यूज करेंगे. वुड हैव हैड टू, वी हैव टू. गॉट इट? वी हैव हैड टू अलग रहेगा, वी हैव टू अलग रहेगा. यहाँ पे इसका जो मीनिंग निकलता है, इसका जो अर्थ निकलता है, वो करना पड़ा होगा. मतलब पास्ट टेंस की बात होती है. सो पास्ट टेंस के लिए जो है ना ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हम यूज करेंगे, वेयर वी विल यूज वी हैव हैड टू. ठीक है, वी हैव हैड टू. हम तो देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के माध्यम से. जैसे कि वहां पे उन लोगों को रूल्स फॉलो करने पड़ते होंगे, दैट मीन्स देयर एवरी पर्सन वुड हैव हैड टू करना पड़ता होगा किस सेंस में. वुड हैड टू फॉलो वहां पे उन लोगों को मतलब हर एक इंसान को रूल्स को फॉलो करना पड़ता होगा. फॉलो द रूल्स तो उन लोगों को फॉलो करना पड़ा होगा. ठीक है, अगर नहीं करते तो पनिशमेंट मिल जाती. तो ऐसे कुछ तो भी, लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा वो करना पड़ा होगा के सेंस में होगा. मतलब पास्ट टेंस की बात हम यहाँ पे करेंगे. चलो वन मोर एग्जांपल के माध्यम से इसको और समझ जाते हैं. You would have had to go there every day. आपको वहां पे हर दिन जाना पड़ा होगा. Had to go there
एवरी डे आपको जाना पड़ा होगा, हर दिन आपको जाना पड़ा होगा एवरी डे। ठीक, वन मोर एग्जांपल आपको देता हूं मैं, आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी तभी जाकर तो आप ट्रेन बने ना। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तो हाउ कुड बी वी ट्रेन। ठीक है, हम कैसे ट्रेन बन सकते। चलो देखो, यू थर्ड एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यू वुड हैड टू प्रैक्टिस डेली, आपको हर दिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी। यू वुड हैव हैड टू प्रैक्टिस डेली। ठीक है, प्रैक्टिस डेली तो नहीं हुआ यहाँ पे, सॉरी। ओके, तो इस प्रकार से जो है ना, हमने देखे यहाँ पे तीन अलग अलग एग्जांपल के माध्यम से कि किस प्रकार से वुड हैव हैड टू का जो यूज किया जाता है, या फिर हम कर सकते हैं इस प्रकार के सेंस में, या फिर इस प्रकार के अगर सेंटेंसेस को हमें स्ट्रक्चर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, वुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। बट तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही कुछ। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। उसके साथ साथ हमारे वुड के जो तीन अलग अलग पार्ट है, उन सभी पार्ट से तीन अलग अलग पार्ट मतलब ये रहेगा, तीसरा ऑलरेडी दो अपलोडेड किए गए हैं, मैंने पहले ही बताया, तो उनसे भी जो है ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी, कुछ अलग कंसेप्ट के बारे में नॉलेज जो है ना आपने लिया होगा, आपको मिला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे डाउट्स कंफ्यूजन है, क्योंकि हर एक यूज जो होता है इंटर रिलेट करता है, ऐसे कैसे ना कहीं मिक्सअप मीनिंग के साथ जो है ना, मिक्सअप मीनिंग या फिर सेंस वो करता है, यूज किया गया नहीं वो सेंस करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी हम मास्टरी अचीव करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, थोड़ा सा और एक दो बार वीडियोज को देखते हैं, वीडियो लेक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो सारे डाउट जो है ना अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करो, और हर एक स्टूडेंट तक, हर एक गांव तक, हर एक बच्चे तक ये जो है ना वीडियो पहुंचना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी पता चले, जैसे कि आपको पता चल गया कि किस प्रकार से हम वुड का यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, और अपने स्पीकिंग को, अपने स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज, थैंक्स लॉट।